नमस्कार वायर में आपका स्वागत है मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिजभूषण सरन सिंह जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ रहे हैं उनके साथ जो पक्षपात किया जा रहा है सरकार द्वारा उसकी बात करेंगे आज ये खुलासा हो चुका है इस बात का कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट उनके खिलाफ लगाई है उनमें वो सारे आरोप पुख्ता साबित हो रहे हैं जो कि देश की जानी मानी रेसलर्स ने महिला रेसलर्स ने उनके खिलाफ लगाए थे यौन उत्पीड़न के और सेक्सुअल हैरसमेंट के जी हाँ ये सारी दुनिया में ये बात आ चुकी है कि छः महीने से ये महिला रेसलर्स जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है देश का गौरव बढ़ाया है बड़ी बड़ी इवेंट्स में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीत के यहाँ तक कि ओलंपिक मेडल्स भी जीत करके और उन महिला रेस्लर्स द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सिद्ध हो चुके हैं मामला अभी कोर्ट में जाएगा वो अलग बात है लेकिन क्या चार्जशीट तक पहुंच जाने के बाद ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें कार्रवाई छोड़िए अपने मुंह से दो शब्द तो कह दें उसे कंडेम तो कर दें उसकी भर्सना तो करें लेकिन नहीं ताज्जुब यह होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा जिनका नारा था बेटी बचाओ का जो बात करते हैं महिला सम्मान की जो कहते हैं हमारी देश की बेटियों के लिए सब कुछ उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जाता है सरकार द्वारा उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है अब तो चार्जशीट हो गई अब तो सोते से जागे लेकिन नहीं क्या वजह है आज चार्जशीट दाखिल हुए दो से ढाई हफ्ते हो चुके हैं ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक किसी भी बड़े बीजेपी नेता ने उसको मामूली उसकी आलोचना तक नहीं करी सवाल यह है कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के एमपी ना होते तो क्या सरकार का यही रवैया होता सवाल ही नहीं यदि ब्रजभूषण शरण सिंह किसी विशेष जाति के नहीं होते तो क्या यही रवैया होता सरकार का यदि ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम कुछ और होता कहीं वो अल्पसंख्यक समूह से आते तो क्या सरकार का रवैया यही होता ना चलता उनके ऊपर बुलडोजर क्या अभी तक उनकी सारी जायदाद पे बुलडोजर चल चुका होता आपने देखे तमाम उदाहरण इस देश में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती ये आप सब सोच सकते हैं अगर वो बीजेपी के एमपी ना होते तो लेकिन उनका उनका सौभाग्य है कि वो बीजेपी के एमपी हैं और एक बाहुबली हैं और वो उनका नाम ब्रिजभूषण सरन सिंह है यदि कुछ और होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हो चुकी होती है और किस तरीके से उनके साथ डील किया गया होता जिस तरह से इस देश के बहुत सारे और लोगों के साथ किया है सरकार ने लेकिन आज की तारीख में तो चार्जशीट आ चुकी है सामने और दिल्ली पुलिस आपको बता दें कि इतने एफआईआर भी तब लॉन्च करी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था तो ऐसी मामूली बात नहीं है इन महिला रेसलर्स को इतनी ज्यादा कवायद करनी पड़ी है इतनी जद्दोजहद करी है इतनी लड़ाई करी लड़ी है इन्होंने, जिससे कि उनकी आवाज उनकी गुहार सुन ली जाए बड़ी मुश्किल से एफ आई आर होती है एफ आई आर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला काम यह होता है कि पॉक्सो का जो केस बनाया गया था वो समाप्त कर दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा वजह जो उनमें से एक माइनर रेस्टलर थी उसने जो आरोप लगाए थे उस हिसाब से पॉक्सो केस बनता था लेकिन जाहिर है कि वो किसी प्रकार के तमाम प्रेशर्स के अंदर उसने वो केस वापस ले लिया उसने और उसके परिवार वालों ने उसके पिता ने बाकायदा पुलिस में जाकर कहा कि हम वो आरोप वापस लेते हैं और कोर्ट में भी उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने वो वापस ले लिए अब ये कोर्ट का, का काम है आगे जब मेन मामला कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट उनसे पूछेगा कि क्यों वापस लिया गया है उसमें आगे क्या होता है कितना उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है कितना उन्हें डर रहता है क्या वो बोल पाते हैं नहीं वो अलग बात है लेकिन बाकी जो आरोप लगाए गए हैं वो बाकायदा सिद्ध माने जा रहे हैं क्योंकि चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने वो सारे आरोप उसी प्रकार से माने हैं जैसा कि उन रेसलर्स ने बयान दिए थे और उसमें इस तरीके के जो जो इस तरीके के डिस्क्रिप्शन है जिस तरीके से ब्रदभूषण शरण सिंह ने उन महिलाओं के साथ जो दुर दुर्व्यवहार किया दुराचार करने का प्रयास किया वो बिल्कुल स्पष्ट है वो इस तरीके की भाषा है उसमें जो हम आपको इस प्रोग्राम में बयान नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने हरकतें करी हैं लेकिन फिर भी इस देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री तमाम और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो कि बात करते हैं महिला सम्मान की देश की बच्चियों की बा, 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 उनको बचाने की देश के बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं वो इसमें शांत हैं आज तक शांत हैं क्या वजह हो सकती है क्या इतना खौफ है उस पर ठीक है एक बाहुबली का खौफ होता है आम आदमियों को लेकिन सरकार को किस बात का खौफ है और वो सरकार जो जो दुहाई देती है इन चीजों की मोरालिटी की वो भी अगर इसमें खामोश रहे तो क्या जाहिर होता है क्या जाहिर करता है सब इसमें साफ साफ ऐसा दिखता है कि सरकार कतरा रही है अपने एक ऐसे बाहुबली एमपी के खिलाफ बोलने से भी कार्रवाई की बात तो दूर करिए क्योंकि उन्हें खतरा है कि वो उन्हें कहीं किसी दूसरी पार्टी में ना चला जाए जिले इलेक्शन में और ना भी जाए तो वो इलेक्शन हरवा दे आज की डेट में ये सब मान जानते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा प्रयासरत हैं और उन्हें पूरा विश्वास है और जिस तरीके के देश में हालात हैं वो बन भी सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री तो इसलिए उनके लिए एक एक सीट बहुत कीमती है और ये जो माहौल बनाया गया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का ईस्टर्न यूपी में अपनी सीट के अलावा भी तीन चार सीटों पर असर है उसको लेकर के शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व घबराता है कि कहीं दो तीन सीट ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से कम ना हो जाए तो एक तरफ तराजू में ब्रिजभूषण शरण सिंह की हरकतें हैं उनके जो कारनामे हैं और दूसरी तरफ इस चीज का खौफ कि कहीं एक या दो सीट कम ना हो जाए बीजेपी की उसके कारण उसके खिलाफ कार्रवाई करने के कारण ये क्या दर्शाता है ये कौन सी भारतीय संस्कृति की बात करती है ये पार्टी ये पार्टी हमेशा दुहाई देती है बात-बात पे भारतीय संस्कृति की बात करती है तो कौन सी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि आप सत्ताधारी होने वाले दल सत्ता में बैठने वाले वो शीर्ष नेता वो साथ दें एक मोलेस्टर का एक ऐसे व्यक्ति का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ही जाना जाता है जिसके और भी बहुत से उनके खिलाफ उनके विरुद्ध और बहुत से क्रिमिनल केसेस रहे हैं जिनमें अधिकतर में अधिक वो बरी हो चुके हैं और इसी तरह से बरी होते हैं जो केसेस वापस ले लिए जाते हैं ऐसे लोगों के ब्रिजभूषण शरण सिंह के त्रेपन या पचपन स्कूल्स कॉलेजेस भी हैं अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जो उनका रवैया है ये सिर्फ आदमी का गैस की बात है कि किस तरीके से वहाँ पे पढ़ रही बच्चियाँ और पढ़ा रही महिलाएं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा ये तो भगवान जाने लेकिन ये स्पष्ट है कि उनका रुतबा उनका जलवा इतना ज़बरदस्त है कि सरकार में बैठे हुए देश के सबसे बड़े नेता जो विश्वगुरु भी कहलाते हैं वो कतराते हैं उनके खिलाफ ज़रा सी भी आवाज़ उठाने में आपको याद होगा कि ये महिला रेस्लर्स जब इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई पहली बात तो हमने आपको बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उन्हें एफ के लिए उसके बाद वो ज़मीन पे उतर करके उन्होंने आंदोलन किया धरना धरने पे बैठी दिल्ली के जाने माने जंतर मंतर पे लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ सरकार से जिस दिन देश के नए पार्लियामेंट का इनाग्रेशन था उसी दिन उनको दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बुरी बुरी तरीके से उनके साथ सलूक करके उनको घसीट के मार करके उनको वहाँ से खदेड़ा और बंद कर दिया और ये हो गया कि वहाँ पे अब वो धरना नहीं दे सकती उनके सपोर्ट में जो लोग आए दुर्भाग्यवश कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके सपोर्ट में खुल करके नहीं आई और आए तो कौन कुछ किसान ग्रुप्स जो हरियाणा से थे उसके पीछे बीजेपी ने उसको यह कलर दिया कि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है और कांग्रेस के नेता हुडा क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह से रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव हार गए थे इसलिए वो ये सब करवा रहे हैं ये सारे आरोप एक तरफ ताक पर रख दिए गए बात सिर्फ यहाँ तक आ गई और ये देखते हुए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों खामोश रहीं ये भी बहुत ही अजीब सी बात है तो क्या माना जाए कि क्या देश की राजनीति इतनी ज़्यादा गिर गई है कि किसी को भी सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं किसी को भी मोरालिटी नाम की चीज़ से कोई लेना देना नहीं ये बात सही है कि उनका भी दायित्व बनता था कि वो जमीन पे खड़े होते इन रेस्टर्स के साथ लेकिन नहीं खड़े हुए शायद यही वजह है कि बीजेपी भी इसकी आवश्यकता नहीं समझती है कि कुछ भी उस शख्स के खिलाफ किया जाए यहां तक कि उसको कंडेम भी ना किया जाए उसकी भर्त्सना भी ना की जाए प्रधानमंत्री जो कि हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमेशा इस बात की दुहाई देते हैं कि वो मोरालिटी के इशू पे बिल्कुल उनका किसी चीज तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्या ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो क्या है ये एक बिल्कुल आंख बंद कर लेना नहीं है तो क्या है ये कान में रुई डाल लेना नहीं है तो क्या है ये साफ जाहिर होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से सरकार को भी डर है बाहुबली का डर समझ में आता है आम आदमी के लिए लेकिन सरकार इस तरह से खौफ में आ जाए कार्रवाई ना करे चाहे खौफ किसी प्रकार का हो चाहे वो इलेक्शन का डर हो चाहे उसके जो पर्सनालिटी है जो उनका बाहुबल है उसका डर हो लेकिन डर तो है ये तो मानना ही पड़ेगा दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।